दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप के चलते एक बार फिर लॉकडाउन का मामला जोर पकड़ रहा है। दुनिया के कई मुल्कों ने तीसरी लहर को रोकने के लिए अपने देश में लॉकडाउन लगा भी दिया है। भारत में तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में लॉकडाउन की जरूरत होगी, खासकर तब जब भारत के 7 राज्य कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसलिए भारत में दबी जुबान से लॉकडाउन की बात चल रही है। लॉकडाउन का नाम आते ही देश की जनता सहम जाती है, क्योंकि दूसरी लहर में उसने देश को बर्बादी के कगार पर देखा है। आइए जानते हैं कि क्या भारत में लॉकडाउन की स्थिति है। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बावजूद फुल लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत नहीं है। संगठन ने कहा कि भारत जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंधित जैसे कदम नुकसान पहुंचा सकते हैं। संगठन ने लॉकडाउन का एक नया फार्मूला बताया है। संगठन ने कहा कि भारत को तीसरी लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी लहर से सबक लेते हुए इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की जान और रोजगार दोनों को ही बचाना जरूरी है। संगठन ने कहा कि भारत और दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ एक्शन तय करने के लिए 4 सवालों के जवाब जानने चाहिए। संगठन ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि क्या वेरिएंट कितना संक्रामक है, उसे कितनी गंभीर बीमारियां होती है। इसके अलावा वैक्सीन और पिछले कोरोना इन्फेक्शन कितना सुरक्षा दे रहे हैं। संगठन ने कहा कि आम लोग खतरे को कैसे देखते हैं और इसे रोकने के उपायों को कैसे फॉलो करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है भारत में फुल लॉकडाउन जैसे उपायों के फायदे कम और नुकसान ज्यादा हैं। संगठन ने कहा वह पूरी तरह से यात्रा को प्रतिबंधित या लोगों के आवागमन रोकने का सुझाव नहीं देता है। ऐसे प्रतिबंध लगाने से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है। ऐसे में भारत की आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत जैसे देश में जहां आबादी के बंटवारे में इतनी विविधता है, वहां महामारी से लड़ने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करना समझदारी लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि मौजूदा हालातों, हेल्थ सेक्टर की क्षमताओं और सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए सरकार को महामारी रोकने के लिए उपाय तैयार करने चाहिए। अगर सभी नियमों का पालन किया जाएगा तो लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संगठन का कहना है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए मास्क और वैक्सीन कवरेज असरदार उपाय हैं। अभी जो हालात हैं उसमें मौजूदा टूल्स और उपाय असरदार साबित हो रहे हैं। वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने, मास्क का इस्तेमाल करने, हाथों का हाइजीन और शारीरिक दूरी बनाए रखने, इंडोर स्पेस को वेंटिलेट करने और भीड़ में नहीं जाने से संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद मिलती है। अगर इन सब का पालन हो रहा है तो लॉकडाउन जरूरी नहीं है।